Assalamualaikum. I hope everyone is good and doing well. Welcome to my new and other vlog. हमेशा की तरह मैं आपको अपने व्लॉग में ये बताती हूँ मैं आज कहाँ गई, मैंने क्या खाया, क्या शॉपिंग की, कौन से रेस्टोरेंट में है, ये तो सब चलता ही रहता है. आज सबसे पहले मैं आपको अच्छी सी गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ. आपको पता है लास्ट 2-3 डेज से हमारे लोहार का वेदर बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही प्लेजेंट है. और जब मौसम अच्छा होता है मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपके मूड्स अच्छे होते हैं, और जब आपका मूड अच्छा होता है ऑटोमेटिकली आपका दिन भी अच्छा गुजरता है. यहाँ पे तो बहुत मज़ेदार सी बारिश हो रही थी और मैं खूब बारिश को इंजॉय कर रही थी. मेरे व्लॉग लेट आने की रीज़न ये है कि आई वॉज़ नॉट वेल और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी. और खैर लाहौर का वेदर देख के और फिर मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं और उन्हें दिखाऊं कि हमारे लाहौर में कितनी बारिश हो रही है. मैंने बहुत इन्जॉय किया और मेरे साथ बच्चे भी थे. आप बताएं आपके सिटी का वेदर कैसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सिटी के वेदर की फीडबैक दें. और जब मैं नीचे गई तो यहाँ पर तो मज़ेदार से डोनट्स की डो रेडी हो रही थी, और अभी मैं आपको मैं दिखाऊंगी ये कैसे बनेंगे और किस तरह बनेंगे और ये क्यों बन रहे हैं और ये किसके लिए बन रहे हैं. सो मेनी क्वेश्चन, इन सब के आंसर्स मिलेंगे आपको इसी व्लॉग में. हमेशा की तरह मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल जाती हूँ. मैं हूँ लीना और मुझे कहते हैं शेख लीना. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फर्स्ट केयर माई व्लॉग, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं हमेशा की तरह आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. आपको कैसे पता चलेगा मेरा न्यू व्लॉग कैसे आ रहा है और कौन सा आ रहा है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. यहाँ पे डोनट की जो डो थी वो बनाना कोई इतनी मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, इसको हैंडल करने का एक ट्रिक होता है. तो अब वो जो बनाते हैं वो तो इजीली कर लेते हैं. इसकी शेप दी जा रही थी पहले डो को रेडी करके, इसको हार्डली 30 मिनट्स के लिए कहीं ऐसी जगह पर प्रिजर्व कर लिया जाता है कि इसकी जो डो है वो अच्छी तरह मतलब स्मूथ हो जाए, मतलब यकजान हो जाए. और इसके बाद फिर इसको बहुत प्यारा सा मिला जाता है, फिर इसकी शेप दी जाती है और इसको फिर ऑयल में डिप कर दिया जाता है, मतलब ये फ्राई होते हैं नॉट बेक. और टर्न बाय टर्न ऑलमोस्ट हम 20 डोनट्स रेडी करेंगे आज. डोनट की शेप देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये होता है कि ये अगर ये फ्री हो तो ये खुल ना जाए या मतलब शेपलेस ना हो जाए, तो इसलिए इसके डो को बड़ा एक अच्छी तरह स्मूथ रखना पड़ता है और उसकी शेप को बड़ा एक लेवल का रखना पड़ता है, ताकि जब ये फ्री हो और ये बाहर आए तो खूबसूरत सी शक्ल और क्रिस्पीनेस हो. अभी हम इसकी जो ऊपर चॉकलेट लेयर वाली सॉस होती है जो डोनट के ऊपर होती है, मैं उसको भी आपको तैयार करना सिखाऊंगी. जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़े से मतलब एक फूल गए हैं, मतलब ये इसके अच्छे डोनट की निशानी ये होती है कि अच्छी तरह फूलता है और क्रिस्पी होता है, और ये पड़ा रहता है तो ये अपने एक लेवल पे आ जाता है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग्स में क्या देखना चाहते हैं, और मुझे मेरे व्लॉग्स के बारे में कमेंट देना ना भूला करें. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे 2K कर दें जल्दी से जल्दी, आई रिक्वेस्ट. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने, ये हमने इसको जब भी फ्राई करना है इसको लाइट फ्लेम में करना है, क्योंकि हल्के आँच पे ये फ्लेम होंगे तो ये अच्छी तरह इनकी खूबसूरती और ये सॉफ्ट और क्रिस्पी ये होंगे. फ्राई रेडी कर दिए थे और ये इसी फ्लेम में बने रहेंगे, क्योंकि जब तक बने रहेंगे बहुत मज़ेदार से सॉफ्ट हो जाएंगे. और तब तक हमने भी उसमें और भी डाल दिए थे, क्योंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा थी और फ्रेम होने में भी टाइम लेते हैं, क्योंकि जब आप इसकी डो को रेडी करते हैं तब भी ये टाइम लेती है, इसकी शेप में टाइम लगता है. ये बनाना तो ईजी नहीं, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, जैसा कि अब आप देख रहे हैं. अब हम साथ ही इसके एक सॉस तैयार करते हैं, और जो हम डोनट खाते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है चॉकलेट लेयर, वो मैं आपको बनाना सिखाऊँगी. इसमें हमने लिया था मिल्क, शुगर,
चॉकलेट और कोको पाउडर और 1 egg. प्लीज़ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे व्लॉग्स को शेयर करना ना भूलिएगा. अब हम इसको कोको पाउडर ऐड करके हम इसको एक चॉकलेट सॉस बनाएंगे और इसको अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें शाइनिंग और थिकनेस आ जाए, ताकि जब उसको डिप करें तो उसकी बहुत मज़े की चॉकलेट लेयर हो. अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको बीटा के साथ बीट करेंगे ताकि इसमें अच्छे से कोई वो गुठली ना बने या कुछ ऐसी हार्डनेस ना हो जिसकी वजह से वो डिप करने में मुश्किल हो. ये चॉकलेट एंड पे ऐड करेंगे और चॉकलेट हो और उस सॉस का मज़ा ना हो इम्पॉसिबल. आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपका भी देख के दिन करेगा, तो प्लीज़ जाएं और इसको ट्राई करें और मुझे बताएं आप मेरे चैनल पे क्या देखना चाहते हैं. प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलेगा. यहाँ पे तो बच्चे अब खा रहे थे और बच्चे अपना फीडबैक दे रहे थे कि बहुत डिलीशियस, टेस्टी एंड यम्मी, स्पेशली सॉफ्ट. खैर मैं अब चलती हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.